हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इस इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जेड वेरिएबल दिया गया है, हमें इस जेड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि z प्लस 15 यहां पर डिवाइड में है, तो जब हम z प्लस 15 को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और देखिए 9 यहां पर डिवाइड में है, जब हम 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये z के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 9 यहां पर डिवाइड में है तो यहां पर आकर ये z के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे z मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू का साइन यहां पर एज इट इज रहेगा। और z प्लस 15 जो यहां पर डिवाइड में है, जब हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 15। जब आप 9 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9z इज इक्वल टू का साइन यहां पर एज इट इज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 z के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 15 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप पॉजिटिव 4 को पॉजिटिव z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव 4z, तो यहां पर आप लिखेंगे 4z। और जब आप पॉजिटिव 4 को पॉजिटिव 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव 60, तो यहां पर आप लिखेंगे प्लस 60। अब क्योंकि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम z वाले टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे, तो 9z अपनी जगह पर रहेगा। और जब आप पॉजिटिव 4z को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव 4z हो जाएगा, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा और 60 अपनी जगह पर रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 9z पॉजिटिव है और 4z नेगेटिव है, तो आप 9z में से 4z को माइनस करेंगे। और जब आप 9z में से माइनस करेंगे 4z को तो आपको मिलेगा 5z, और 9z बड़ा नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो 5z भी पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा और 60 एज इट इज आएगा। अब यहां पर हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z को हम यहां पर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 60 भी अपनी जगह पर रहेगा, 5 यहां पर z के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम 5 को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 60 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 5, और यहां पर देखिए 5 1 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 5 2 10। तो जब हमने 60 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला 12, तो यहां पर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 12। तो अब हमें z की वैल्यू मिल गई है, यानी कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।